क्योंकि उसको बोलना क्या कहेंगे आप, जो आपको आज हम अवार्ड मिला है वो किस चीज के लिए? आई थिंक फॉर वोकेशनल सर्विस, उन्होंने ये कहा, एंड जनरली फॉर बींग हु आई एम, मे बी एन एक्ट्रेस, एंटरप्रेनर, सोशल वर्कर, रेडिएशन एक्टिविस्ट, आई डोंट नो किसके लिए दिया, किस एग्जैक्टली किस एक चीज़ के लिए दिया या सभी के लिए दे दिया। एंड आपने हमेशा लोगों को इन्फॉर्म किया, इत्तला किया, एक वार्निंग दी है कि रेडिएशन कितनी खराब हो सकती है उनके जीवन के लिए, तो उसके बारे में हाँ एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आज उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया तो मैं उसकी तैयारी करके आई थी और यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था, देयर वाज एन अवार्ड बीइंग गिवन, सो आई वाज लाइक ओके दिस इज नॉट द ओकेजन टू टॉक अबाउट रेडिएशन। बट हाँ मैं रेडिएशन के बारे में बातें इसलिए करती हूँ क्योंकि आई थिंक लोगों में जानकारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आजकल हर एक के पास, हर बच्चे के पास एक फ़ोन है, हर बड़े के पास एक फ़ोन है, हर औरत के पास है, हर मर्द के पास है, अमीरों के पास है, गरीबों के पास, सबके पास एक फ़ोन है, मगर इसको इस्तेमाल थोड़ा सा रिस्ट्रेंट के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लंबी लंबी घंटों तक बातें करते रहें, इससे जो रेडिएशन होती है उससे हानि पहुंच सकती है, तो आप प्लीज़ उसे एक खिलौना मत समझिए, ये मेरा कहने का मतलब है। मैंने कुछ 2 साल पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन करना शुरू कर दूंगी, ये सब जिंदगी के साथ मेरे जुड़ता गया और मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। आज जब मैं ये बातें कर रही हूँ आपसे, देर इज़ एन अमेरिकन साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल पीस प्राइज एल गोर के साथ मिला था, प्रेजिडेंट नाम, ही वॉज रनिंग फॉर प्रेजिडेंशियल इलेक्शन अबाउट 8 years ago, एल गोर, सो उनके साथ शी वॉज द को विनर, उनका नाम है डॉक्टर डेविस, वो इंडिया आई हुई हैं, उन्होंने रेडिएशन के बारे में बहुत चर्चा की हुई है, बहुत रिसर्च की हुई है, एंड शी केम एंड शी मेड प्रेजेंटेशंस, सो उनके साथ हम हेल्थ मिनिस्टर को मिलने जा रहे हैं दिल्ली परसों, नहीं 13 या 14 तारीख को, सो वी आर ट्राइंग टू टेक इट टू पीपल हु कैन मेक अ चेंज इन द नॉर्म्स इन दिस कंट्री, क्योंकि रेडिएशन 2 तरीके से होती है, आपके सेलफोन से होती है और दूसरा एंटेना से होती है, तो ये रेडिएशन कोई मॉनिटर नहीं कर रहा हमारी कंट्री में कि कितनी हो रही है रेडिएशन, और यहाँ से एंटेना उखाड़ के कहीं और लगा देना उसमें भी कोई हल नहीं है, सो वन नीड्स टू अप्रोच द गवर्नमेंट टू मेक सम नॉर्म्स अबाउट इट, सम काइंड ऑफ रूल्स रेगुलेशंस जिनको फॉलो किया जाए, सो वी आर ट्राइंग टू वर्क टूवर्ड्स दैट, और लोगों में भी जानकारी बढ़नी चाहिए, इसलिए मैं कभी कभी प्रेजेंटेशंस करती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आई विल बी बैक अगेन एंड अगेन अगेन, क्योंकि एक ही काम तो आता है जिंदगी में, एक्टिंग, वो तो करनी पड़ेगी, सो देर इज़ अ लवली स्क्रिप्ट विच हैज़ कम टू मी रिसेंटली, मैं पढ़कर बहुत खुश हुई उसे, सो आई विल बी एक्टिंग इन दैट, एंड बस जस्ट गिव मी अ वीक एंड देन आई कैन मेक द अनाउंसमेंट। सो आर वी इवन गोना सी यू सूनर और लेटर इन टू द टेलीविजन स्क्रीन, सिंस देयर आर लाइक मेनी बॉलीवुड एक्टर्स हु आर मेकिंग देयर कमबैक फ्रॉम टेलीविजन, सो व्हाट हैव यू वेरी रिसेंटली आई वॉज एंडोर्सिंग सोनीपल, सोनीपल एक नया चैनल है जो कि अभी शुरू हुआ है, 1 सितंबर को लॉन्च हुआ था, सो मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो मैंने भी उन्हें यही कहा कि एक होता है कि आपको एंडोर्स करूँ, जो कि मैं बड़ी आसानी से और बहुत खुशी से कर सकती हूँ, मगर प्रेस ज़रूर कभी पूछेगी कि भाई आप भी तो कोई प्रोग्राम करेंगी इस चैनल पर, so maybe on Sonipal I would consider doing a nice special entertaining but more than entertaining elevating program, मैं ज़रूर कुछ करूँगी मगर कुछ खास करूँगी, मैं कोई आम चीज़ टेलीविजन पर नहीं करूँगी। Since आप एक ब्यूटी पैजेंट रह चुकी हैं, so what is fashion according to you, since you have lived 80s
90s and now is the millennium. So what do you think about fashion? Fashion changes with seasons. Colors change with seasons. Fashion ke baare mein, what's trendy, what's in, what's out, that's fashion. Magar I think at by my stage it becomes more about style. कि आपका आपको क्या सूट करता है आप सीख जाते हो आपका क्या स्टाइल है जो कि मोर लास्टिंग है सो इन माय ओपिनियन आई थिंक क्लासिक्स दे लास्ट फॉर एवर गुड कट्स गुड फिनिशिंग वेल मेड क्लोथ्स ऑफ गुड फाइन मटेरियल्स रियल मटेरियल्स दिस इज व्हाट आई एस्पायर टू वेयर And that's become my kind of style. Fashion तो आता है जाता है अरे अब कम बैक कैसे बोल रहे हैं मैं हर साल कम बैक करती हूँ नहीं ये तो मैंने कभी सुना नहीं है आपसे सुन रही हूँ मेरा बर्थडे आई विश ऑल ऑफ यू आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली मनाइए दिए जलाइए खुशियां मनाइए पूजा करिए पटाखे मत जलाइए और अगर जलाएं तो कम ही जलाएं क्योंकि आजकल इतनी पोल्यूशन हो रही है क्यों उसे और बढ़ाते हैं तो मज़े करिए एंड बी हैप्पी टुगेदर विद योर फैमिली इन्जॉय सेलिब्रेट वो मुझे नहीं पता पर मैंने सुना है अमित जी सितार बजाते हैं सालों से बजाते आए हैं मैंने कभी उन्हें सितार बजाते कहीं सुना नहीं है सो आई वुड लव फॉर हिम टू यू नो कम फॉरवर्ड विद दैट पार्ट ऑफ हिम आई एम श्योर ही इज़ वेरी टैलेंटेड एंड बहुत खूबसूरत बजाते होंगे तो फिर हम रिपोर्टर्स के लिए बड़ा ख़राब है क्योंकि हमें तो फोनो लाइव सब कुछ